देखो साहब, ये है ना, मेरे को इस डिपार्टमेंट के अंदर कम से कम 25-30 साल हो गए, और 25-30 साल के अंदर मैं बहुत कुछ जान सकता हूँ। और बहुत कुछ जानने के बाद क्या है, जैसा कि डॉक्टर ने, मैंने भैंस को हाथ डाला और भैंस प्रेग्नेंट है कि नहीं है, खाली उतना ही मेरे को पता नहीं है, बाकी सब दवा दारू के अंदर हर चीज़ में मेरे को प्रॉब्लम है, मेरे को नॉलेज है। और दूसरी बात क्या है कि जानवर कौन सी नस्ल का कैसा जानवर होता है, मैं उसको बहुत अच्छी तरीके पहचानता हूँ। और जानवर क्या है, देखो ऐसा ही लंबा चौड़ा जानवर जो है वो हरियाणा पंजाब का रहता है, और छोटा जो रहता है ना वो मतलब के अलग अलग जंगल का रहता है, उत्तर गुजरात का जंगल जंगल अलग रहता है, कच्छ भुज का अलग रहता है, हरियाणा का अलग रहता है, और राजस्थान का जानवर जो है वो राजस्थान का जानवर क्या है साहब, वो ज़्यादा चलता नहीं, वो 4 महीना 5 महीने 1 महीने के अंदर दूध दे के वो हट जाता। और दूसरी बात क्या है कि मेरे पास जो मजदूर लोग काम करते हैं उस मजदूरों को मैं 11-12 हज़ार रुपया पगार देता हूँ, 12 हज़ार रुपया तक पगार देता हूँ। और जो भी आदमी अगर जो कमती जो कम रहता है, मेरे पास 100 जानवर के पीछे मैं कम से कम 10 मजदूर रखता हूँ। ये जानवर जो है वो दिल्ली का हरियाणा का जानवर जो है ना, उस किस्म का जानवर जैसा कि जैसा दूध ज़्यादा देता है, तो ज़्यादा दूध देने में क्या उसका प्रॉब्लम ये होता है कि शरीर का कमजोर हो जाता है, और दूध जो है वो खून में से बनता है, समझा। जैसा कि माँ को बच्चा रोता है कि कब कह लफड़ा हो के बेटा मैंने तुझे खून चुसा कर बड़ा किया है, तो वही खून है वो, बराबर। दूसरी बात के दूसरा जानवर जो रहता है देखो ये कच्छ भुज का जानवर है, कच्छ भुज का जानवर जो है वो बहुत डरपोक जानवर रहता है, और उसका दिमाग जो है वो टाइट रहता है, उसका दिमाग। हरियाणा पंजाब का जो भी जानवर रहता है वो जानवर जो है ना वो इसी हिसाब से रहता है कि उसका दिमाग बहुत ठंडा रहता है। और दूसरा उसको क्या है, इसको अगर दवा ववा जो पिलाने का हो तो हरियाणा पंजाब का जो जानवर रहता है वो तुरंत अपना मुंह खोलता है, और अपना मुंह खोलने के बाद कायदे से वो दवा पीता है। बाकी कहीं तुम मेहसाणा जानवर का देखो या कोई मतलब कि राजस्थान का देखो, वो तुमको दवा ववा पीने में बहुत तकलीफ देगा, क्योंकि इतना बड़ा लंबा चौड़ा जानवर है, वो रोहतक जंगल का आता था, ये भी रोहतक का है, ये भी रोहतक का है, और ये भी रोहतक का है। एक जानवर रोहतक का हमको कम से कम 1,30,000-35,000 में पड़ता है, बराबर। और उत्तर गुजरात का जानवर देखो, कच्छ भुज का जानवर देखो, तो हमको 80-90 हज़ार में पड़ता है। लेकिन क्या है कि जो हरियाणा पंजाब का जानवर जो है वो तो प्रेग्नेंट ज़्यादा होता है, और वापस जो लौट के आता है तो वो हिसाब से हमको दूध अच्छा देता है। एक लीटर दूध का प्राइस हमारे पास अभी 72 है, और 72 के हिसाब से मतलब कि हमारा जानवर जो है वो डरपोक जानवर ज़्यादा रहते हैं, और क्या फर्क पड़े दूसरे आदमी को देखते हैं तो खड़े भी हो जाते हैं, और प्रॉब्लम ऐसा रहता है कि कोई बीमार भी रहता है तो उसकी दवा करता है, वो बीमारी उनको कहीं किस्म की आती है, उनको बुखार आता है, उनको मलेरिया की तकलीफ होती है, उनका पेट गड़बड़ भी होता है, इन्फेक्शन भी होता है, और इन्फेक्शन होने के बाद क्या है कभी कभी मतलब कि ऐसा प्रॉब्लम दवा करने से भी तो प्रॉब्लम नहीं आता है तो ख़त्म भी हो जाता है। मेन बात यह है, समझा, जानवर कई किस्म के अलग अलग जानवर हैं, मगर क्या है अभी घास चारा दाना का अंदर तो आप देखोगे तो बहुत सारा मिलावट आता है, वो हिसाब से जानवर जैसा चाहिए वो हिसाब से दूध नहीं देता है। तो पहले के जानवर आज से 20-25 साल पहले आज आया और कल से 11-12 किलो दूध देना चालू करते हैं, समझा। आइए मैं आपको मेरा घास चारा दिखाता हूँ, दाना पानी अच्छे रहता है, इस तरीके हम लोग इसको दाना में को भिजा देते हैं पानी के साथ, उसके अंदर सरसों का तेल भी डाल देते हैं, गुड़ भी डाल देते हैं, वो हिसाब से माल भिजा देते हैं, और इसी तरीके हम लोग इसको बना के मिलावट करते हैं, और मिलावट करने के बाद जानवर को एक एक तगारी भर के हम लोग डालता है, एक तगारी के अंदर हमको 5 किलो 6 किलो 5 किलो 6 किलो जानवर हमारा दूध देता है, बराबर। और बाकी ऊपर का सब कुछ सही रहता है, बाकी प्राइस भी क्या है, आदमी हमारे पास जो मजदूर लोग जो काम करते हैं ऐसा इसी हिसाब से अलग अलग जंगल का जानवर, समझो कोई छोटा बच्चा है उसका उसी का है, अभी अभी जन्म आया है, और ये जो है ना घास हमको कम से कम 10 रुपया 12 रुपये किलो पड़ता है, समझा, 10 रुपया 12 रुपये किलो हमको पड़ता है, और 12 रुपये किलो की भी खरीदते हैं घास दाना हमको कम से कम एक तगारी का दाना हमको कम से कम 200 रुपये तक जाता है, लेकिन 250-400 रुपये तक हमको हमका जानवर दूध देता है तो हमको परवड़ता है।
बाकी हमारा दूध का गारंटी रहता है, 200-250 ग्राम दूध का मावा आ गया, दूध भी अच्छा रहता है बच्चे लोग को। तो इस तरीके दाना हमारे पास आता है 50 किलो की एक गोनी रहती है और 7 रुपया हम लोग प्राइस देते हैं, एक गोनी उतारने का प्राइस रहता है और हमको 20-25 रुपये किलो पड़ती है ना। और बाकी मजदूर लोग जो हमारे पास काम करते हैं इस तरीके, तो उसको हम 7 रुपये गोनी देते हैं, समझा। इस तरीके हमारा ये है जो मकाई का भूसा है, ये मकाई का है और इसको हम दाने के अंदर भिजा के इसको खिलाते हैं। प्योर मकाई से जानवर का पेट साफ होता है और दूध अच्छा देता है। और ये जो है वो चने का भूखा है, वो चने के अंदर भी क्या है, चने के अंदर भी बहुत विटामिन रहता है और विटामिन भी बहुत ताकत वाली चीज़ है। और ये है तुअर का है, तुअर का जो है बेड़ा, उससे भी इसी तरह का हमको बहुत फ़ायदा होता है और हमारा जानवरों को फ़ायदा भी होता है, इसके साथ हमको भी फ़ायदा होता है। इस तरह के हमारे मजदूर लोग इस तरह के रहते हैं, देखो हमारी जगह है, मजदूर लोग जो रहते हैं उस हिसाब से मजदूर लोग रहते हैं, वो हिसाब से हम इसको खिलाते पिलाते हैं। जैसा कि देखिए इसमें मीठा गुड़ भी आता है, मीठा गुड़ के अंदर क्या है बहुत बहुत सारी चीज़ें अंदर मिक्स भी आते हैं, मिक्स आती है। और गेहूं का भूसा है, गेहूं का भूसे के अंदर भी हमको बहुत फ़ायदा होता है, गेहूं का भूसा है। और ये कुट्टी है, इसको हम लोग कुट्टी बोलते हैं, जैसा कि एक कुट्टी है हम लोग कुट्टी बोलते हैं, बराबर जुआरी का सोयाबीन का जो आता है, वो सब अच्छी तरीके रहता है, जानवर का पेट बराबर भरता है, बहुत सारे जानवरों का भी पेट भरता है जानवर के पीछे और बहुत अच्छी तरीके चलता रहता है। बाकी इसमें हमारा गुजरान चलता है, जैसा कि रात को 1-1.5 बजे की हमारी ड्यूटी रहती है, सवेरे 8 बज जाता है, 9 भी बज जाता है, हमारा टाइम का सब देखो कोई भरे कोई ठिकाना नहीं, ड्यूटी पे आने का ठिकाना, जाने का कोई ठिकाना। बात मेन प्रॉब्लम है कि हम लोग को मेहनत बहुत है मगर मेहनत के हिसाब से हमको मजदूरी मिलती नहीं है। सबसे पहले तो उसको बुखार आवे, बुखार के अंदर को हम लोग इसको टेम्परेचर डालते हैं, तो टेम्परेचर में हम लोग को पता चलता है कि इसको कितना ml बुखार है, वो हिसाब से हम इसको दवा करते हैं, एंटीबायोटिक दवा देते हैं, ओनिसिन देते हैं और कई सारे जो आदमी की जो दवा रहती है वही दवा साहब जानवर की दवा रहती है। लेकिन बात क्या है कि जानवर को डोज थोड़ा ज़्यादा दिया जाता है, आदमी को कम दिया जाता है। ग्लूकोज की बॉटल आदमी की 5 ग्राम की 25 ग्राम 5 ग्रेड की आती है और जानवर की 25 ग्रेड की, उतना फ़र्क रहता है। दूसरी बात कि इसको कहीं बीमारियां होती है, इसका पेट गड़बड़ भी होता है, हो सकता है इसको पेट में इन्फेक्शन भी हो सकता है, उसको बुखार भी आ सकती है और उसको उससे टीबी की बीमारी भी हो सकती है और कैंसर की भी हो सकती है और इसको अटैक भी आ सकता है। और मेरे पास ऐसी अटैक आई हुई जानवर क्या सब बैठा 1 बाल्टी दूध दिया फिर भी अगर पटका गया तुरंत जानवर ख़त्म हो गया। जैसा मेरे को इंजेक्शन लेते के आते आने में जाए जानवर भी ख़त्म हो सकता है। और मैंने इसका इन लोग का रिपोर्ट भी होता है, ज़्यादा प्रॉब्लम होता है हम लोग इसका रिपोर्ट भी कराते हैं, तो रिपोर्ट के अंदर क्या हमारे समझ में नहीं आती तो कोई भी बीमारी मतलब इसका मतलब आ जाता है। और सर्जन तो आज जो आता है वो हमारे पास से प्राइस ज़्यादा लेता है, लेकिन सर्जन से ज़्यादा भी हम लोग भी जानते हैं, लेकिन वो सर्जन है साहब, वो पढ़ा लिखा सर्जन है, समझा, वो सब कोई वो हमारे से डिग्री उसकी कहीं आगे ज़्यादा है और डिग्री के हिसाब से वो काम करता है। और जानवर के पेट के प्रेग्नेंट है कि नहीं है वो पीछे से हाथ डाल के बता देता है वो, बराबर, और हम लोग वो नहीं बता सकते प्रेग्नेंट है कि नहीं। तो दवाई जो देता है वो आप खरीद के लाते हो, मतलब जो जैसे ज़्यादा हाँ मतलब उसका प्राइस भी कैसे रहता है प्राइस तो सब देखो जैसा इंजेक्शन 250 रुपये का आवे, 200 रुपये का भी, 400 रुपये का भी, 500 रुपये का भी आवे, जैसा इंजेक्शन जैसी बीमारी पे लगे उस हिसाब से उसका प्राइस रहता है। कम से कम महीने के हमारे पास 100 जानवर के पीछे 25-30 हज़ार के 1000 की दवा होती है, इतना हमारा प्राइस है।
बाकी सब कुछ इस तरीके रहता है।